आपका वेलकम है ईपीएफ की एक न्यू वीडियो में। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका पीएफ जरूर कटता होगा दोस्तों, अगर आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो। तो दोस्तों आपको अपना पीएफ कैसे चेक करना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत आसान है, आप अपना पीएफ 5 मिनट के अंदर चेकआउट कर सकते हो आपका कितना पीएफ कट गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर लिखना है EPFO, इतना आपको लिख के और सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये जो पहले नंबर पर आपको देखने को मिल रही है वेबसाइट एम्प्लॉयज़ प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा हुआ देखने को मिल रहा है ना, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर अपना पीएफ आप कैसे चेक करोगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, ईपीएफ चेक करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, जूम करना है और आपको ई पासबुक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ई पासबुक आप अपना यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको केवाईसी करनी है तो केवाईसी के लिए भी ऑप्शन दे के रखा है, ठीक है। और भी काफ़ी ढेरों सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके पीएफ से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ईपीएफ को जो है मतलब कि ई पासबुक को हमने क्लिक किया है, और करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अपना जो यूएन नंबर और पासवर्ड डालना है अपनी ईपीएफ का जो है मतलब कि पासबुक का, ठीक है। तो वो आप डालोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है खुल के देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने एक यहाँ डाल दिया है ये जो है, और यहाँ पर इस कैप्चे को फिल कर देंगे, और करने के बाद यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वो सारे सारे जो चीज़ें वो यहाँ पर शो होकर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना पीएफ कटेगा, कितना जो सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर साइन इन होने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अपना पीएफ चेक करवाना है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। यहाँ पर आपको इतना सा प्रोसेस करना है, यहाँ पर अपना यूएन नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो आपको डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद में कैप्चा फिल करके साइन इन पे क्लिक कर देना है, और आपका यहाँ पर जो सारा कुछ प्रोफाइल है वो खुल के आ जाएगी, कितना आपका पीएफ कट रहा है, कितनी पेंशन कट रही है, वो सारा कुछ आपको शो होकर देखने को मिल जाएगा। ये 5 मिनट के अंदर आप अपना ईपीएफ यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ ऐसी वीडियो के साथ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ईपीएफ से रिलेटेड और भी अर्निंग एप्लीकेशन और शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको वीडियो चैनल पे मिलती है तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।